अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने पंजीकरण व्यवस्था शुरू कर दी है। बीते रोज पंजीकरण के पहले ही दिन 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं। ऐसे में चार धाम के होटल एसोसिएशन ने पंजीकरण व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि इस व्यवस्था से उनके होटलों की बुकिंग कैंसिल हो रही है और उनके व्यापार को खासा नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस पंजीकरण व्यवस्था को समाप्त नहीं करती तो वे आगामी दिनों में सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकल व्यापारी को भी इससे उनको भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि पुलिस अब चेक पोस्ट भी बना रही है जिसका फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। जल्द ही ऋषिकेश के निकट मुनि किरेती और भद्रकाली मंदिर के पास चेक पोस्ट बनाए जिससे यात्री का पंजीकरण होगा, वही श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकेगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। उसमें जो सीमित संख्या का क्राइटेरिया और ऑनलाइन पंजीकरण जो उन्होंने किया है उससे चारधाम यात्रा में भी चारधाम होटल एसोसिएशन भी शामिल थे और वहाँ भी हमने अपना विषय रखा है और उसी के बाद तुरंत हमारे मुख्य सचिव जी का फरमान आता है कि चारधाम यात्रा में ऑनलाइन पंजीकरण कंपलसरी है। तो ऑनलाइन पंजीकरण का चारधाम होटल एसोसिएशन घोर विरोध करता है और हमने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं, ऑनलाइन पंजीकरण और सीमित संख्या का तो सवाल ही नहीं उठता है चारधाम के लिए।